नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में। दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यूरिन ब्लेडर का चल रहा है, मूत्राशय का चल रहा है। तो उसमें हम क्या है, पिछली वीडियो में हमने आपको यूरिन ब्लेडर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी थी जो जो हमें जरूरी है सारी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन ब्लेडर से संबंधित कौन कौन से रोग है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आज का जो पार्ट है हमारा, आज का पार्ट है हमारा 269, ठीक है दोस्तों। तो आज इसमें हम बात करेंगे हमारे यूरिन ब्लेडर डिसीज डिसऑर्डर, यानी कि मूत्राशय से संबंधित, मूत्राशय से संबंधित समस्याएं व रोग, ठीक है। मूत्राशय से संबंधित समस्याएं व रोग, अब इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हम, ये मेन हमारा डिवाइड होगा थ्री टाइप, ठीक है। तो ये थ्री टाइप में डिवाइड होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें हम दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले वन नंबर की, जो हम सिंपली ये देखेंगे हमारे यूरिन ब्लेडर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आसानी से बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो नंबर वन क्या होता है, यूरिन ब्लेडर स्टोन, ठीक है। मूत्राशय में किसी को पथरी हो जाए, ठीक है। पेशाब कम आना, पेशाब कम आना, पेशाब ज्यादा आना, ज्यादा आना, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि यूरिन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, यूरिन ब्लेडर है तो पेशाब कम आना, ज्यादा आना, पेशाब के समय दर्द होना, ठीक है, पेशाब में जलन होना, पेशाब में जलन होना, ठीक है। ये हो गया हमारा यूरिन ब्लेडर से रिलेटेड। अब बिस्तर पर पेशाब करना, कई बच्चे जैसे बिस्तर पर पेशाब करते हैं, बिस्तर पर पेशाब करना, ठीक है दोस्तों। ये जनरली एक हो गया आइडिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, कि हमारा मेरिडियन जहां जहां से होके गुजर रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम इसमें लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरिडियन, मेरिडियन, ठीक है, ये हो गया मेन, ठीक है, मेन यानी कि जो यूरिन ब्लेडर से डायरेक्ट रिलेट है, ठीक है। ये हो गया मेन, ये हो गया मेरिडियन। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारी आईज प्रॉब्लम, ठीक है, फ्रंट हेड, टॉप हेड, बैक हेड। अब ये मेरिडियन यहां यहां से होके गुजर रहा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, जो ये मैं बता रहा हूं चीजें वो एक्चुअल में है, क्योंकि आई से शुरू होती है, फ्रंट हेड में जाती है, टॉप हेड, बैक हेड, फिर हमारी पीठ, फिर बैक, फिर हमारे हिप को होते हुए, फिर हमारी थाइस के पीछे, नी के पीछे, काफ के पीछे, ऐसे करके गुजरते होते हुए जाता है, ठीक है, बैक हेड, ठीक है, फिर सर्वाइकल, सर्वाइकल और नेक, मतलब सर्वाइकल या नेक भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अपर बैक, अपर बैक, ठीक है, मिडिल बैक, लोअर बैक। अब ये सारी बैक इसमें आ गई, ठीक है, अपर बैक भी आ गई, मिडिल बैक भी, लोअर बैक भी। अगर कोई कहता है मुझे अपर बैक में प्रॉब्लम है तो आप मेरिडियन देखेंगे कि ये मेरिडियन हमारा यूरिन ब्लेडर से होके जा रहा है, किसी और मेरिडियन से यूरिन ब्लेडर होके जा रहा है, तो उसका आप ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। लोअर बैक, उसके बाद में हिप्स, ठीक है, उसके बाद में हमारी नी, नी बैक, ठीक है, काफ, ठीक है, हील, ठीक है, और फीट, ठीक है, यानी कि स्मॉल फिंगर। अभी हो गया दोस्तों सिंपली जो हमारा मेरिडियन के थ्रू आता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड में, जहां हमारी कंडीशन हो जाती है क्रॉनिक, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, ठीक है। नंबर तीन में जान लेते हैं, जैसे हमारा सर्वाइकल, जब हमारे यूरिन ब्लेडर में कोल्डनेस बढ़ जाती है तो हमारी स्पाइन को इफेक्ट करती है, तो वहां पे कोल्डनेस को बढ़ाती है तो पेन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सर्वाइकल, बैक पेन, सियाटिका,
ठीक है। उसके बाद में दस्त लगना, ठीक है, कोलाइटिस, कोलाइटिस, ठीक है, पेशाब कम या ज्यादा आना, कम या ज्यादा आना, ये वाला जो है बिस्तर पर पेशाब, ये भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भूख न लगना, शरीर में ठंडक लगना, ठीक है, हाथों पैरों में सुनपना लगना, हाथों पैरों में सुनपना लगना, घुटनों में दर्द, सभी जोड़ों में दर्द, सभी जोड़ों में दर्द, नींद की समस्या, इसी तरह से दोस्तों बहुत मल्टीपल ऐसी है कॉज, ये सारी वो हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखी हैं, ये सारी वो चीजें हैं दोस्तों, ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सारी, तो वो आप जैसे मैंने समझाई दी आपको लगभग सारी, तो ये सारी प्रॉब्लम है जिनका हम यूरिन बेड से ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों, इनको आपको बारीकी से समझना है, देखना है, और फिर हम इनका फ्यूचर में आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर यूरिन बेड हमारी हाइपो होती है या हाइपर होती है उसकी क्या क्या कंडीशन होंगी, क्या क्या रोग होंगे जिससे कि हम उसका ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम अपने नए पार्ट में और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।